to Time News Studios. You are watching 9 p.m. Bulletin. जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। इन्होंने तो एहसन अल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। जिस दिन एहसन अल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोए नैब गैर आइनी इदारो थी वयो। एहतसाब जो अड़ो इदारो आनण घुर्जे जेको ओपोजिशन से गड हुकूमत जजेस जनरल जो भी एहतसाब करे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के नैब खत्म करे एहतसाब जो नओ इदारो कायम करने लाए गालन जी आछ करे छी। कौमी असेंबली में गालहाइंदे बिलावल चयो त मुल्की तारीख में वजीर आजम इमरान खान जेतरा एनआरओ कहीं भी ना दिना। दहशतगर्द एहसान उल्लाह एहसान के एनआरओ डे आजाद किया वो। हाँ वरी भारतीय जासूस ए दहशतगर्द कुलभूषण यादव के एनआरओ देने की कोशिश कई पी वे। कुलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस से सैनेट आए कौमी असेंबली के भी एतमाद में ना वरत वो। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब बाद ओपोजिशन मेंबर्स वॉकआउट कर पाया। इतना डर इतना खौफ बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं और जैसी उन्हें इलम होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और फर्जी के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद को रम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। कोई सहाफी उनके साथ उनकी मुलाकात हो तो कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। इनके अब्बू भी कहते हैं कि नैब की क्या मजाल के वो मुझसे सवाल पूछे। ये जो वडेरापन, ये जो एक वडेरों की सोच है, इनके अंदर एक खुद को लैंड डालो पता नहीं कि क्या बादशाह सलामत समझे हुए हैं। मुराद अली शाह ने जरदारी के सहूलत कार का किरदार अदा किया, मतलब यही है करप्शन की सहूलत कार का, और जरदारी की शुगर मिलों को सब्सिडी मिली। क्या बर्थडे पार्टियों का बिल किसके लिए फेक अकाउंट से जमा होता था? आपके लिए। क्या अयान अली और आपको एक अकाउंट से पैसे नहीं जाते थे? वो फेक अकाउंट। मैंने पहले दावत दी थी ट्विटर पर पहले, आप डिबेट चेंज करना चाहते हैं कि जो आपको सवाल आपसे पूछे गए हैं उसका कोई जवाब ना हो और तमाम एहतसाब खत्म हो ताकि आप और बेहतर तरीके से लूट सके, क्योंकि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो तो आपका नारा है कि आप मस्जिद का सको, ये नहीं चलेगा। पर्ची ते आयल हादसाती सियासतदान कौमी असेंबली में कौरम की निशानदेही कर भजी वो। वफाकी वजीर मुराद सईद बिलावल भुट्टो जरदारी से तनकीद कर वडेर की सोच रखंदर पर्ची वाले सियासतदान में जवाब बुधन की हिम्मत ही ना है। पार्लिमानी रिवायतन मौजिब कौमी असेंबली में कौरम की निशानदेही कदर मेंबर गणप पूरी थियण ती ऐवान में मौजूद होंद है। बिलावल भुट्टो छो गुम थी वो। नैब के बंद करण जो मुतालबो कदर बिलावल भुट्टो जरदारी चाहे तो इदारो बंद थे बीहर सरेआम फोरलुट कन। मुराद अली शाह आसिफ जरदारी के करप्शन में सहूलतकार जो किरदार अदा कर सनत शुगर मिल्स के सब्सिडी दो हो। शुगर मिल्स वारा ओपोजिशन में होजन या हुकूमत में होजन, पीटीआई हुकूमत खंड स्कैंडल में मुलविस समूरन शुगर मिल्स खिलाफ कार्रवाई कंदी। पीटीआई सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई जो एतराफ कदर भारतीय जासूस कुलभूषण के सहूलतकार छो बणियल है खेस लाडलो छो पे बणा वे। कौमी असेंबली में तकरीर कंदे नून लीग के एम एन ए ख्वाजा आसिफ चयो त भारत कश्मीर के मक्तल बणाए छो है, असा कदें व्यापार खोले छूं था कदें वरी कुलभूषण के रिलीफ दियण लाए ऑर्डिनेंस आणू पाया। ख्वाजा आसिफ चयो त असा के ताना डींदड़ बुधायन त मोदी जो यार केर है आई कहंजे दबाव ते फैसला थी रहा हन। कुलभूषण पाकिस्तान जो डोही है वजीर आजम बुधाए त पाकिस्तान की गैरत जो सौदो छो कर रो है। कई जगहों पर माजी की हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने नहीं, जो हमारे दोस्त में बैठे हैं जो एतराज करते हैं काफी ज्यादा, चली गई मेरी बहन,
जहां पर एक स्कूल की जरूरत थी वहां पर 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 वन रूम स्कूल बना के अपने जो सपोर्टर्स थे, हिमायती थे, उनको ओताकों के तौर पर दिए गए। अब अगर किसी गांव में बच्चों की तादाद इतनी है, किसी गोठ में बच्चों की तादाद इतनी है कि वो एक स्कूल या दो स्कूलों में तालीम हासिल कर सकते हैं और वहां पर स्कूलों की तादाद 20 हो, 25 हो या कहीं 50 भी हो, तो जहां बच्चे नहीं हैं और वो स्कूल गैर जरूरी तौर पर बना दिए गए तो वो बंद करने पड़े। ये तादाद शायद 5,000 नहीं होगी, 5,000 से भी बढ़ सकती है। हम वो तमाम स्कूल जो गैर जरूरी इलाकों में हैं जहाँ पर बच्चों की तादाद कम है, आबादी कम है, स्कूल ज़्यादा बना दिए गए हैं, उनको बंद करके वहाँ के जितने रिसोर्सेज हैं उनको उन स्कूलों में लगाना चाहते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत है। सिंध में 5,000 का वधीक स्कूल बंद करण जो तैयारियों सिंध असेंबली में तकरीर कंदे तालीम वारे वजीर सईद गनी चयो आहे त जिन स्कूलन में बार दाखिल ना आहिनि उहे स्कूल बंद करणा पवंदा। उन्हनि स्कूलन जो अंग 5,000 खां बि वधीक थी सघे थो। सईद गनी चयो त जिते हिकु स्कूल जी ज़रूरत हुई माज़ी में हुकुमराननि उते 10-20 स्कूल ठहिराए सपोर्टर्स खे ओताकनि तौरु ॾिना। माज़ी में ब्लैंक ऑर्डर ते उस्ताद भर्ती कया विया, हाणे तालीमी निज़ाम में सुधारा आंदा पिया वञनि। उस्तादनि जूं 37,000 जायूं ख़ाली आहिनि। अदालती हुकुम ते रूल्स ठाहिण सबबि भर्तियुनि में देरि थी आहे। इजलास में हुकूमती तोड़े ओपोज़िशन मेंबर्स जी बि अजरक पाए शिरकत। सिंध सरकार 10 मालियाती कमीशन जे नए नोटिफिकेशन ते बि एतराज़ वारे छॾिया। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे ख़त। वॾे वज़ीर ख़त में चयो आहे त नई NFC जे टर्म्स ऑफ रेफरेंस जूं 3 शिकूं आइन सां टकराव में अचनि थियूं। आइन में वाज़े आहे त वफ़ाक क़ौमी सतह जे मनसूबनि में सूबनि जे हिसनि मां कटौती नथो करे सघे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईद उल अज़हा ते 3 ॾींहं आम मोकल जो ऐलान करे छॾियो। नोटिफिकेशन जारी। वफ़ाक़ी सरकार जे तर्जुमान शहबाज़ गिल चयो आहे त ईद उल अज़हा ते जुमे, छंछरु ऐं आचर ते मोकल कई वेंदी। होरन जे रूहानी पेशवा पीर पागारो ईद उल अज़हा ते अक़ीदतमंदनि खे ज़ियारत लाइ पीर गोट वञण खां रोके छॾियो। पीर पागारो पंहिंजे मुरीदनि लाइ पैगाम जारी कंदे हिदायत कई आहे त कोरोना जी सूरतहाल सबबि मुरीद पंहिंजनि इलाइक़नि में ईद मल्हाइनि, पीर गोट में दरगाह ते अचण जी ज़हमत न कनि। के इलेक्ट्रिक वटि फर्नेस ऑयल जी खोट न आहे। कंपनी पंहिंजा पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत सां इस्तेमालु नथी करे। बिन कासिम पावर प्लांट पे पूरी सलाहियत सां न हलायो वियो। नेप्रा के इलेक्ट्रिक खे शोकाज नोटिस जारी कंदे चयो आहे त कंपनी लाइ नवनि पावर प्लांट्स जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। के इलेक्ट्रिक हर रोज़ बिजली जी 188 मेगावाट खोट खे मुंहुं ॾेई रही आहे। कंपनी निजी शोबे जे बिजली घरनि सां मुआदो करणु ऐं PSO सां थियल मुआदे में ज़िमेवारियूं पूरियूं करण में नाकाम थी वई आहे। नेप्रा 15 ॾींहनि अंदरि शोकाज नोटिस जो जवाबु न ॾियण जी सूरत में के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ी कार्रवाई जो जताव ॾींदे चयो आहे त छो न के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई करे मथस गरो ॾंढ लॻायो वञे, छो न कंपनी जो लाइसेंस रद्द या मुअतल कयो वञे। सिंध सरकार मकानी इदारनि वारे खाते में अकाउंटेंट्स ऐं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स जी अपग्रेडेशन वापसि वठी छॾी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हुकुमनामो जारी करे छॾियो। 250 खां वधीक ऑफिसर मुतासिर। 16 ग्रेड जे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वारी पोस्ट ते अपग्रेड थियल ऑफिसर ॿीहर 11 ग्रेड जा मुलाज़िम बणिजी विया। अकाउंटेंट्स जी 17 ग्रेड वारी पोस्ट ते अपग्रेड कयल ऑफिसर ॿीहर 16 ग्रेड जा ऑफिसर बणिजी विया। तालीम खाते में 16 ग्रेड जे असिस्टेंट्स ऐं स्टेनोग्राफर्स खे 17 ग्रेड में तरक्की ॾियण जो फ़ैसिलो। समूरनि रीजनल डायरेक्टर्स खे ख़त लिखी रिकॉर्ड फॉर्म करण जी हिदायत। नैब ऑफिसर्स में अहलियत ऐं सलाहियत न आहे। नैब में जांच जो मयारु परखण लाइ को बि निज़ाम न आहे। सुप्रीम कोर्ट करप्शन जे केसिस ते फ़ैसिलनि में देर जो ज़िमेवार नैब खे करार ॾेई छॾियो। लाखड़ा पावर प्लांट जे दावत में मुबैना गोबिन वारे केस ते ॿुधणी दौरान सुप्रीम कोर्ट चयो त रेफरेंस दाख़िल थियण खां पोइ नैब पंहिंजूं ग़लतियूं सुधारण जी कोशिश में लॻी वेंदो आहे। नैब जे जांच ऑफिसर्स खे कानूनी पासनि जी ख़बर नाहे हूंदी। जांच सालनि जा साल हलंदी आहे ऐं माण्हू सालनि ताईं नैब में फासी पवंदा आहिनि। 30 ॾींहनि में फ़ैसिलो थियण बदिरां माण्हू 30 सालनि ताईं फाथल हूंदा आहिनि। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद रिमार्क्स हिन चयो त नैब जे रेफरेंस में को बि मयारु नाहे हूंदो। रेफरेंस जा बुनियाद ई ग़लति हूंदा आहिनि। कानून वारो सेक्रेटरी काबीना मां मंज़ूरी वठी हिकु महीने में जजिस जी मुक़ररी वारो अमल शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट 120 नयूं एहतसाब अदालतूं क़ाइमु करण लाइ वफ़ाक़ी काबीना खां मंज़ूरी वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो।
नयन अदालतों लाए बुनियादी ढांचो भी तैयार करने जो हुकुम। लाखड़ा पावर प्लांट की अदावत में मुबैना घोबिन वाले केस के बुधनी दौरान नैब जा रूल्स 21 साल गुजरण बावजूद नठण जो इंकशाफ। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जा रूल्स न होजन जो एतराफ करे वरतो। अदालत नैब के एक महीने में जब्ता ठाहे रिपोर्ट पेश करने जो हुकुम दींदे चवा है त नैब जा जब्ता ऑर्डिनेंस के सेक्शन 34 तहत तैयार कया वन। नैब जो SOPs रूल्स जो मुतबादिल न थियो थी सकन। नयू अदालतों कायम करने लाए माली ए कानूनी घुर्जू पूरी करणी पवंद। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुकुम से 120 नयू एहतसाब अदालतों कायम करने का लाचारी जाहिर कर छी। कानून वाली वजारत सुप्रीम कोर्ट में जमा करायल अगभराई रिपोर्ट में एहतसाब अदालतों में इल्तवा जो शिकार केसिस जहा तफसील भी शामिल कर छड़ा। रिपोर्ट में कानून वाली वजारत है अदालती हुकुम तहत 5 एहतसाब अदालतों में जजिस जो खाली जय भरण लाए समरी उमाणी वही है। 120 एहतसाब अदालतों कायम करने लाए सालियानो 2,86 अरब रुपया बजट की जरूरत है। तय हूंदे अदालतों कायम करने लाए सलाह मशवरा शुरू कर छड़ा। सुप्रीम कोर्ट 120 नयू अदालतों कायम करण 5 एहतसाब अदालतों में जजिस मुकर्रर करण जो हुकुम दिनो हो। सभी के खबर है तो रोशन सिंध प्रोग्राम के नाले से सिंध में उंदाही कई वही जैसे नैब के रेडार से पंजी फिक्र कन। PTI MPA हलीम आदिल शेख दवाओं के अगन के सूबाई मामलो करार डींदे है त अटे खीर सूदो बन शय अग कंट्रोल करण सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है। कराची में मेहून के वजीर आजम हो तो पंजो खीर महंगो कर छोड़ो। सेवण में मीडिया से गालाइंदे हलीम आदिल शेख तो अजरक असो शान मान है। पीपल्स पार्टी के अजरक से सियासत न करण घुर्जे। फवाद चौधरी की जहालत है जो पान के साइंस जो इमाम समझे तो। चंद रिसनी कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान जी फवाद चौधरी से छिती तनकीद। मुफ्ती मुनीबुर रहमान है तो फुल्कियात ए साइंस के कड़ी किताब में चंड की साइज या तारीख तय कर बाबत लिखल है। जै मू के साइंस की खबर ही ना है वो पान के साइंस जो इमाम सदा रो है। कमरी महीने में 29 तारीख से सिज लहण का चंड मौजूद हुए पर नजर न अचे तो वो 30 दिन वो महीनो थी वो है। सिंध में कातिल कोरोना 36 हयातियों खसे वरतियों। फौतन जो अंग 2096 थी वो। वड़े वजीर नवा अंग अखर जारी करने है गुजरियल 24 कलाकन दौरान 3,176 मरीज कोरोना के शिकस्त दे सेहतियाब थी व्या। 670 नवा केस रिपोर्ट थियन बाद सूबे में मुतासन जो अंग 1,15,883 थी वो। कराची में 305, हैरपुर में 34, बदीन आई घोटकी में 27, सांगड़ में 22, कंबर शहदादकोट में 20 नवा केस रिपोर्ट थिया। कराची के इलाके जट लाइन्स में हथियारबंदन फायरिंग करे ASI गुलाम मोहम्मद के शहीद कर छोड़ो। पुलिस चवण है तो 51 वरन जो अहलकार गुलाम मोहम्मद गुजर आर्टलरी मैदान थाने ते मुकरर हो। मथस मोटरसाइकिल सवार फायरिंग कई। मकतूल के भाणे के वकास हथियारबंदन गुलाम मोहम्मद के ड्यूटी तक वापस इंदे घर के वेझो कतुल संदस पिस्टल खड़ी गया। IG सिंध मुश्ताक महर ASI के कतुल जो नोटिस वटंदे SSP ओभर का रिपोर्ट तलब कर वरती। बिजली जा गरा बिल दिसी मानुन जो रणियों निकरी वन थियों। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त में देर से वापेदारन ते वड़ो बार पेजी सके तो। नैप्रा चेयरमैन इंकशाफ किया है तो दिसंबर महीने में बिजली के वापेदारन ते 13,80 अरब रुपये जो इजाफी बार विधो वो। बुधा वे तो दिसंबर में बिजली के पैदावार लाए गैस बदरा फर्नेस ऑयल छो इस्तेमाल किया वो। बिजली के विच कंदर कंपनीज तरफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लाए दाखिल दरख्वास्त के बुधनी दौरान नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के इख्तियारन तो दिसंबर में गैस की खोट सबब फर्नेस ऑयल में बिजली पैदा कई वही। नैप्रा चेयरमैन है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से 7 अरब रुपये जो बार बिजली के वापेदार दा मुंतकिल थी वो। मुल्की तारीख में पर्यों भेरो सोन जो 10 ग्राम अग 1 लख का वी वो। सोन 2,300 रुपया इजाफे का फी तोलो 1,17,300 रुपया थी वो। 1972 रुपया इजाफे का सोन जो 10 ग्राम अग 1,566 रुपया थी वो। रुगो जुलाई महीने में हेल तीन सोन के अग में 12,800 रुपया इजाफो रिकॉर्ड।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस हवाले थियूं तफ़सीली ख़बरूं, शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।